तो गाइस जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा उसी तरह से मैं लो एंड पीसी में गेम प्ले कर रहा हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लो फ्री फायर है और ये अल्ट्रा पे जो मैं खेल रहा हूँ अपने लो एंड पीसी में, तो आप भी कैसे खेल पाओगे चलो मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना और लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मैं आपको स्टार्ट करते हैं वीडियो, और इसमें जो मैं प्रोसेसर यूज किया हूँ i5 3570 के, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ सेटिंग में, सर्च में आपको सर्च करता हूँ रन, और यहाँ पर मैं जो है आपको दिखा देता हूँ सिस्टम का स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पीसी में 8 GB रैम है और यहाँ पर कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है, और प्रोसेसर देख सकते हो i5 3570 के यहाँ पर लगा हुआ है। तो गाइस चलो इसको हम कट करते हैं, और मेरे जो पीसी में जो MSI प्लेयर है जैसे आप लोग देख सकते हो, तो इसको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, जो वीडियो आपको मैं बना दूंगा बोलोगे तो। चलो मैं इसको ओपन करता हूँ, और इसी में जो है फ्री फायर मेरा है, तो ये एक एमुलेटर है। तो इस एमुलेटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं आप चाहोगे तो वीडियो बना देंगे, कमेंट में लिख देना। चलो ये ओपन हो रहा है, थोड़ा ओपन होने में ये टाइम लेगा क्योंकि देखो लो एंड पीसी है, और यहाँ पर देखो मैं फ्री फायर पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ। तो आप इसमें फ्री फायर कैसे इंस्टॉल कर पाओगे उसका भी आप वीडियो चाहोगे तो मैं बना दूंगा। तो यहाँ पर मेरे को जो है वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है अपने मोबाइल से, क्योंकि डाटा रहेगा तभी तो चलेगा। चलो मैं अपने व्हाट्सएप खोल देता हूँ अपने मोबाइल का, और इसमें जो है कनेक्ट करता हूँ। तो गाइस वीडियो को स्किप मत करना और देखते रहना एंड तक। तो उसको ऑफ करके ऑन करते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो है इंटरनेट आ चुका है और कनेक्ट भी हो चुका है। तो चलो अब इस एमुलेटर में फ्री फायर को रन करते हैं। चलो हम इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद पहले आपको दिखा देते हैं इसको जो कि सेटिंग किया है मेरा एमुलेटर का। तो यहाँ पर देख सकते हो 4 कोर है और 4 GB रैम मैंने लिया है और लो मेमोरी, और यहाँ पर 60 FPS जो है। उसके बाद डिस्प्ले में आप देख सकते हो 720p 1280 में। उसके बाद यहाँ पर देखो कोई ग्राफिक कार्ड मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सब, क्योंकि आपका जो है डाउट जो है क्लियर हो जाए पूरा, और मैं कैसे रन कर सकता हूँ फ्री फायर को आप देख सकते हो। चलो मैं इसको कट कर देता हूँ, उसके बाद फ्री फायर को ओपन करता हूँ। अरे ओपन हो जाए भाई, तो भाई ये रन नहीं हो रहा है। अरे रन हो जा भाई, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। तो ये लो एंड पीसी है तो ये ऐसा होता है। चलो फिर से हम ट्राई करते हैं एमुलेटर को। तो ये हमने डबल क्लिक कर दिया, अब देखते रहो तो ओपन हो रहा है, थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। उसके बाद चलो इसको ओपन करते हैं, इस बार भी रन हो जाएगा तो सही है। और गाइस सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कौन से जो है अपने पीसी में एमुलेटर को रन करवाना है या फिर कौन इंस्टॉल करना है जब आपका लो एंड पीसी है तब। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो है फ्री फायर ओपन हो रहा है, तो ओपन होने देते हैं। और गाइस आप लोगों का भी अगर 4 GB या फिर 2 GB रैम है तो उसमें कौन सा एमुलेटर इंस्टॉल करना है, और अगर उस पर भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, सबके लिए वीडियो आएगा। और प्रोसेसर मैंने कैसे लिया और मदरबोर्ड और रैम कैसे मैंने बाय किया और कैसे इंस्टॉल किया, इस पर भी वीडियो चाहते हो तो वीडियो आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पर फ्री फायर ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर ओपन हो रहा है, क्योंकि देखो मैं मुझे खेलना तो नहीं आता इसमें, मैं अभी नोबी प्लेयर हूँ। तो जैसा खेलते हैं वैसा हमको बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग में हम जाते हैं और इसको हम भाई अल्ट्रा करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं अल्ट्रा कर देता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है वो 3rd जनरेशन का है, तो ये जो है गेमिंग के लिए मतलब ठीक ठाक गेमिंग करा देगा आपको, i5 है। तो यहाँ पर मैक्स कर देता हूँ मैं पूरा अल्ट्रा,
चला के दिखाता हूँ आपको। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन है भाई, इसी से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रहा है इसी पीसी से। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ। चलो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस अब फ्री फायर जो ओपन होता है, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। और भाई अगर आप लोग कमेंट करोगे तो और कोई जो और गेम होगा तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा, आप बताओगे तो कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग ज़रूर बताना। तो चलो यहाँ पर तो ठीक ठाक चल रहा है और लैग नहीं हो रहा है। चलो इसको थोड़ा साउंड जो है कम कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो लैग नहीं कर रहा है बिल्कुल। अब देखते हैं गेम प्ले करके, क्योंकि देखो मेरे को ज़्यादा खेलना नहीं आता है। तो यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा है और अल्ट्रा में चल रहा है यार, बिना ग्राफिक कार्ड के। तो आप लोग देख सकते हो ये आ चुका है। तो गाइस इस प्रोसेसर के साथ कोई और भी गेम है खेलने के लिए बोलते हो तो मैं खेलूँगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो यहाँ पर मैं वो उतरते कैसे, अच्छा यहाँ ड्राइवर पर क्लिक करते हैं, अच्छा ड्राइव, चलो ये नीचे उतर रहा है। तो गाइस आप लोग देख रहे हो बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है। और इस प्रोसेसर के साथ आप लोग जब 8 GB रैम लगाते रहते हो ना, तो यार फ्री फायर आप आराम से खेल पाओगे। थोड़ा सा जो लैग देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसी से कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा लैग देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करोगे ना तो ये बहुत परफेक्ट चलेगा ये। चलो मेरे को गन ढूँढना है ना। और गाइस मैं जो इसके साथ जो है ग्राफिक कार्ड भी लेने वाला हूँ, क्योंकि इसी में इस सिस्टम में लगाने वाला हूँ ग्राफिक कार्ड एक। तो आप लोग बताना कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यार बहुत ही स्मूथ चल रहा है और अल्ट्रा पे चल रहा है। थोड़ा बहुत लेग चलेगा, क्योंकि देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैं इसी से कर रहा हूँ पीसी से। तो आप लोग अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करोगे तो ये अच्छा चलेगा और परफेक्ट चलेगा ये। अगर इसके साथ अगर कोई आप जो है ग्राफिक कार्ड लगा देते हो तो ये परफेक्ट चलेगा। बाकी मैं ग्राफिक कार्ड लेने वाला हूँ, तो जब मैं लूँगा आप लोग मैं वीडियो बना के दिखाऊँगा। और क्योंकि देखो लाइव स्ट्रीम तो करना है, अगर लाइव स्ट्रीम करना है तो मुझे अच्छा सा ग्राफिक कार्ड लेना होगा। बाकी आप लोग देख सकते हो अल्ट्रा में इस तरह का चलता है, क्योंकि ये मतलब प्रोसेसर सही है। और ये प्रोसेसर मुझे कितना में मिला मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा, आप लोग कमेंट करोगे तो वीडियो बना दूंगा कैसे लेना है और कहां से मैंने लिया। तो आप लोग देख सकते हो यार बहुत ही स्मूथ चल रहा है ये गेम प्ले। तो आप लोग खेल सकते हो और स्मूथ में और स्टैंडर्ड में खेलोगे तो ये और मस्त चलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं अल्ट्रा में खेल रहा हूँ और हाई शेडो है, हाई रेस है, सब कुछ अल्ट्रा ही करके खेल रहा हूँ, तब पर भी यहाँ पर सही चल रहा है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। बाकी आप लोग बताओ इस प्रोसेसर में और कौन सा गेम खेले, क्योंकि देखो इसमें 8 GB रैम मैंने लगाया है तो मैं ऐसा खेल पा रहा हूँ। बाकी आप लोग देख सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और कुछ भी पूछना चाहते हो तो